तो भाई अभी हम आ रखे हैं माता रानी के मंदिर में, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो माता रानी की थाली बना रही हूँ, सारी चीज़ें एक साथ रखूँगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंकवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गया है देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर गोपेश्वर से। तो बस अभी लगभग सुबह का 10:30 हो रहा है और अभी हमारी तैयारी हो रही है मंदिर जाने की। बाहर पर इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, तो अभी मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। आज है अष्टमी, मतलब जो काली माता की पूजा होती है। बस अभी जल्दी से रेडी होते हैं। अनन्या भी जा रही, मैं भी जा रही, दीदी भी जा रही, सब जा रहे हैं मंदिर। और अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। पहले रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो दोस्तों अभी हम रेडी हो गए हैं और मेरा ये ना बहुत ही पुराना सूट है, तो मैंने कहा चलो आज इसी को पहन लेते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा सूट पहन के चलते हैं। और अन्नू बेटा भी तैयार हो गया है। अन्नू का भी ये भी पहले का ही सूट है, छोटा होने लग गया, पर मैंने इसको बोला, मैंने कहा पहन दे। हाय बोल दो। हाय। मुझे भी आपके इयररिंग चाहिए। अच्छा, ये मैंने ना किसी ने गिफ्ट करी थी मुझे, बहुत पहले की है। तो आज मुझे परसों एक दिन मैंने सामान ढूंढा था ना, तो उसमें मिली मुझे, तो आज मैंने पहनी। अन्नू कह रही मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी पहनना है ये। मैंने कहा बेटो आप अभी छोटे हैं ना आपके, तो आप नहीं पहन सकते इसको, तो चलो अपने स्लीपर पहनो। अन्नू बेटा ने यहाँ पे ताली भी लगा दी है, तो मैंने कहा इसको चाबी यहीं पे रख दी, तो ताला लगा दिया, तो चलते हैं। और मैं ये छोटा सा पर्स जो परसों लाई थी ना, यही वाला रख रही हूँ, क्योंकि वो बड़ा मेरे से रखा नहीं जाता। तो भाई यहाँ पे से हम ना माता रानी की चुन्नी वगैरह ले रहे हैं अभी मंदिर जाने के लिए। हैं गुल्लक बाद में लेंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और मार्केट ना ऐसा सुनसान सा हो रखा है, ये देख रहे हो, लग रहा है कि आज मतलब नवरात्रे होंगे आजकल, एकदम आजकल मार्केट ऐसे ही सुनसान हो रखा है। अरे यहाँ पे तो थी यार वो फ्रूट्स ऊपर की साइड। तो भाई पहले हम ना माता रानी के मंदिर में जाएंगे, उधर है ना चंडिका माता का मंदिर, तो उसके बाद आएंगे गोपीनाथ में। तो पहले साइड से जाएंगे ना। जो मेन रास्ता था ना वो बंद हो रखा है, तो अभी हम उधर से घूम के आए। अरे कालू पालो, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पे बना रहे हैं पूजा की थाली, क्योंकि क्या होती है ना, सारी अगरबत्ती एक साथ जलाएंगे तो मंदिर में अजीब सी धुआं सी हो जाती है। तो अब लोग क्या करते हैं ना, ऐसी थाली बना के जो भी चढ़ाना होगा माता रानी को चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे दीदी मैं सब लोग जो भी आ रखे हैं मंदिर में, सब लोग थाली वुली बना रहे हैं। थाली यहीं मिलती है, हमने सिर्फ सामान ला रखा है। तो मैं भी यहाँ पे चुन्नी वगैरह, सिरपल वगैरह, माता का सिंगार, फल फ्रूट्स, जो भी चीज़ें मैंने ला रखी है, मैं थाली बना के माता रानी को चढ़ा दूँगी। और हमने दिया भी जलाया था बाहर पे, तेल वगैरह भी सब एक साथ ही चढ़ा दूंगी ना यहाँ पे, क्योंकि बाद में ये होता कि वो हो जाता, थोड़ा इधर गिरता थोड़ा उधर गिरता, तो सब एक साथ यूज हो जाएगा, तो वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे मैं माता रानी की थाली बना रही हूँ। भाई यहाँ पे मेरी थाली भी रेडी हो गई थी, और ये क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाने के बाद हम चले जाएंगे गोपीनाथ में। तो दोस्तों अब कुछ दिनों बाद ना गोपेश्वर में रामलीला भी होने वाली है। पहले गोपीनाथ के पीछे होती है रामलीला, उसके बाद स्टेशन पे होती है, फिर ऊपर कुंड में भी होती है, तीन चार जगह रामलीला होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ठंडियों में इतने ज़्यादा मज़े होते हैं ना कि रामलीला देखने को कभी कहीं कभी कहीं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठंडियों के दिन बड़े मज़े होते हैं, सारी चीज़ें फेस्टिवल सारी चीज़ें इसी टाइम पे आती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मेरी थाली भी तैयार होगी, तो मैं ये थाली जो पंडित जी को दे दूंगी। तो भाई अभी हमने मंदिर में पूजा वगैरह कर ली है, और आज उतनी भीड़ थी नहीं, तो जल्दी से नंबर भी आ गया हमारा, अभी उतनी भीड़ है नहीं, तो अब चलते हैं। यहाँ पे हमने पूजा वगैरह करके थाली वगैरह सब चढ़ा दी अंदर, अब चल रहे थोड़ा सा गोपीनाथ में, फिर उसके बाद चलेंगे मार्केट में घूमते घामते घर। तो भाई अभी हम आ गए हैं गोपीनाथ में, और यहाँ पे भी उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आजकल मतलब हर दिन एक दो, फर्स्ट नवरात्रि को होती भीड़ और ये लास्ट को, लास्ट कल है, तो उतनी भीड़ है नहीं अभी। तो दोस्तों अंदर गोपीनाथ के भी दर्शन कर लिए हैं। हाँ पानी चढ़ाओ, लाओ जाओ लोटा लेके आओ जाओ, तो आप ला दोगे उसको, हाँ भरो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अनन्या भोलेनाथ में पानी चढ़ाने के लिए कितना बड़ा घड़ा भर रही है, भरो अब इसको, जितना सकोगे उतना ही भरना, ठीक है।
चलो चलो, ये दो माताएं आ रही, एक बड़ी माता आ रही, एक छोटी माता आ रही, चलो भाई। तो भाई यहाँ पे अनन्या चढ़ा रही पानी, तो ढंग से पकड़ लोटे को, मत कर। जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने पूजा वगैरह कर ली है, अब चल रहे हैं घर। हमने ना जूते चप्पल बाहर निकाले, हम उधर से घूम के आए ना। कहाँ है मेरे स्लीपर? तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मार्केट से और मंदिर जा रखे थे, और अभी ना घर आके मेरे को ऐसे हो रहा कि यार कब, वो जैसा ना अजीब सा। तो मैंने कहा मंदिर तो हम चले गए, तो अब खाना खुना बनाती हूँ। और मैंने ना चावल रखे हैं यहाँ पे, और मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना थोड़ा सा फ्राई चावल बना लेती हूँ, क्योंकि अन्नू भी है और कह रही मम्मा आप भी खा लो। तो मैंने कहा चलो, मैं कल भी वैसे कन्या को कराना है, कन्या जीवाना है, तो मैं सोच रही हूँ कल वो कर लूँगी मैं। और अभी मैं थोड़ा सा चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मंदिर जाके तो हम आ गए हैं, मंदिर से तो हम आ गए हैं पूजा वगैरह करके। वहाँ पे जो भी देना था, चुन्नी वगैरह सारी चीज़ें चढ़ा के आ गए, तो अब सोच रही हूँ यहाँ पे चावल बना के थोड़ा सा फ्राई चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वीकनेस सी आ रही है। मैंने कहा यार पहले तो अपना स्वास्थ्य है, तब जाके और चीज़ें बाद में ना। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्राई चावल बना रही हूँ। अन्नू कह रही मामा आप फ्राई चावल बनाओ, कल सुबह मैं कह रही थी कि पुया रोटी बनाओ, वो छोया रोटी होती है ना जो आटे की घोल की बनती है, तो पहले कह रही थी वो बनाओ, पर मैंने कहा नहीं अभी नहीं बनाना मुझे, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें घी में बनती है ना, और आजकल ये तो बोल रही पराठे बनाओ या तो घी की कुछ भी चीज़ें बनाओ, तो मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को घी भी नहीं खिलाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने कल वो वाले सब्जी वाले गाजर होते ना, ये वाले गाजर ला रखे हैं, और इसमें एक शिमला मिर्च है, इसको काट के और अभी वो बनाऊंगी फ्राई चावल बनाऊंगी। चावल भी मेरे बन गए हैं, तो जल्दी से इसको काट के फ्राई चावल बनाती हूँ, तो फिर आगे की प्रोसेस करती हूँ। यार थकान सी लग रही है और थोड़ा सा वीकनेस भी आ रही, नींद आ रही मुझे पता नहीं क्यों यार। सुबह एक तो जल्दी उठ गई ना, तो तब ज़्यादा नींद सी आ रही है, तो मैं जल्दी से पहले बना लेती हूँ, क्योंकि अन्नू बेटा भी वेट कर रही है कब बनेगा, है ना बेटू? फ्राई चावल नहीं, फ्राई चावल ठीक है। दोस्तों मंदिर से आने के बाद ना मैं सो गई थी भाई, मैं जैसे टीवी देख रही थी, बिग बॉस देख रही थी, और उसको बिग बॉस देखते देखते ना मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला, और सीधा नींद पता कितने बजे खुली, 6:30 बजे। फिर इन्होंने किसी ने भी इन्होंने मेरे को नहीं उठाया भाई, क्यों नहीं उठाया मुझे? जूस नहीं पी रही मैं अभी, है बेटू? और अनु बेटा तो अपने फ्रेंड के यहाँ चले गई थी, वो करने के मतलब खेल करने के लिए, और आपने भी नहीं उठाया मुझे। मैं भी चला गया था, अपने फ्रेंड हो गया। कौन से फ्रेंड हो गया? भाई सच में कह रही हूँ मैं, पता 3 बजे, 3:30 बजे से सो रखी हूँ, और पता 6 बजे उठी हूँ, ऐसी हालत है मेरी, क्या बोलूँ मैं। भाई साहब, और अभी ना पूरा जैसे शाम को सोते हैं ना, तो उससे क्या होता है पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है, तो अभी सर ऐसा घूम रहा है मेरा, अजीब सा हो रहा है, सर नहीं होता है भारी भारी सा, तो मैं आजकल दिन में कभी नहीं सोती थी, पर पता नहीं क्यों मैं टीवी देखते देखते ही सो गई। मंदिर गए थे, वहाँ पे से आया, खाना खुना खाया, और उसके बाद सीधा सो गए। एक नीचे छे खेल करने चला गया, और एक अंदर पे फोन देखने में बिजी हो गया। अब बुक लेके कहाँ जा रहे हो बेटू? बंद? ओह माय गॉड, कौन जी? Yes, की हाल चाल? बच्चे हैं? अच्छे हैं? और तो अच्छे हैं। लग तो नहीं रहे अच्छे हैं, पेट बाहर आ रखा आपका। भाई साहब इतने झूठे ना, इतने झूठे बेटा, देखना कब करा भाई, इतने झूठे, सच में कह रही हूँ, झूठ बोल रहे, कभी नहीं करा एक्सरसाइज। मैं इनको बोल बोल के थक गई कि भाई एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज सो रही थी ना, तब हम दोनों करते एक्सरसाइज बेटा, मैं सच्ची बेटा, सच बोलो, सच के अलावा कुछ मत बोलो। सच कितने बजे उठे आप? सच के अलावा कुछ नहीं बोला मैंने, सच बोलो। नहीं नहीं कितने बजे उठे आप? मैं आप कितने बजे उठे? किस समय, सुबह या शाम? सुबह सुबह 5 बजे।
आप कितना झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? ये दोनों झूठे हैं, खाली झूठ बोले कि हम इतने बजे उठे, इतने बजे उठे। तो बस अभी ना आज मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, तो मैंने आगे वो चावल फ्राई वो बनाए थे ना घी वाला, उससे भी पेट अजीब सा हो गया। अनु ने भी अभी मैगी बनाई थी, इन दोनों ने मैगी खा दी, तो मैं वो कर रही हूँ, थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी, चार रोटी बना दी मैंने और दूध के साथ खाएंगे। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रखा। क्या थी वो? ओट्स, मसाला ओट्स। अच्छा मसाला ओट्स था वो, मुझे लगा कि मैगी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।